वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी रक्षाबंधन और मौजम को भी मैं बोलना चाहूंगी, मौजम हैप्पी रक्षाबंधन, तुम हजारों साल जियो। अच्छा तुम जितना भी जियो खुश रहो और स्वस्थ रहो, धनी रहो, धनी रहो, ये बड़ी जरूरी है। एनीवे जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं गाइस वो हमें सजेस्ट की है विमला ने और मनीष ने, और वीडियो का टाइटल है दिस रक्षाबंधन #deliver the love। well, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नाइस। पैचू मैं भी बोलूंगी तुम्हें, जीते रहो, जीते रहो, एक और लगाओ, जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या मारते रहोगे, कुछ मीठा भी खिला दो। ले खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी सच्ची ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा मुझे भी खिलाएगा? देख सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। मैं ना खुद ले लूंगी ये, ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे देख मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख खत्म मत करियो, टूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ, नमक कहाँ है? वही तो है, ये तो खाली है दीदी। इस महीने में तो ही नमक है, इसमें तो ओह माय गॉड चीनी डाल दी। चीनी तो ये है खीर में, चीनी पिस के रखी है ना, इसलिए आपको लगा कि रो मत ना दी। मैंने पाप के लिए गिफ्ट भी मंगाया। दे तो दिया तुम। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन डिलीवर द लव। भाई मुझे बाकी समझ नहीं आती कि इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते कहाँ से हैं। मतलब एक छोटा सा इमोशन लेकर, एक छोटा सा मैसेज लेकर उन्होंने एड बनाया है और इतना खूबसूरत मैसेज डिलीवर किया है। सीरियसली मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा भाई था। मेरा भाई होता तो अरे हाय कड़वी सी बना दी है, पता नहीं है इनको तो बनाना ही नहीं आता। मैं वैसे इस तरह नहीं था कहना। हाँ कैसे कहना था, चलो मैंने मैंने खानी नहीं थी। नहीं खाने में मान लो कि अगर मैं तुम्हें खिलाती इस तरीके से और अगर मैं पहला चम्मच इसके मुंह में डालती, वैसे वैसे मैंने जिस तरह आप क्या है ना, इस तरह मैंने बिल्कुल नहीं था कहना। मैंने थोड़ा सा तंग करना था कि क्या नाम बताया, कुछ बनाना नहीं आता, नमक डाल दिया। बस ये कि मैंने थोड़ा सा वो एक्ट करके दिखा दिया, अभी इसमें बड़े शरीफाना तरीके से आप लोगों के सामने बोल दिया। लेकिन मोदा जो पता है मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। एनीवे भाई नहीं, आपने कभी खाना खराब बनाया? मैंने कभी कहा है आपको कि आपने सही नहीं बनाया? मैं खाना खराब बनाती नहीं, मैं जो भी बनाती बस वो ही अच्छा बनाती हूँ। वो खराब मुझे पता होता है कि मैं नहीं अच्छा बना सकती, वो तो मैं बनाती नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही वाला बनाती हूँ जो मुझे पता है मैं सही बनाती हूँ। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा है एक मैसेज का। पसीने छुड़ा दिए आपने मेरे। किस तरह से इतना डर? हाँ, मेरा डर बड़ी बहन का डर होना चाहिए। नहीं नहीं वैसे भाई मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो जब से हम लोगों ने वीडियो मतलब इस तरीके से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, हम लोगों का मुझे हमारी बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी होती गई है। उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत हम लोग टॉम एंड जेरी थे बाकी में और ये सारी चीजें होती रहती थी। बट ये मैं कहूंगी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था जो कि मुझे लगता है गिफ्ट से ज्यादा अच्छा था। यार देखिए बहन भाइयों के रिश्ते की बात करें ना तो जितना मर्जी उनमें रंजिशें हो लेकिन आखिर वो एक ही टेबल पे आके बैठ ही जाते हैं जब कोई मसला होता है या कोई मुश्किल आती है। तो बहन भाई मेरा ख्याल है कि ऊपर वाले का जो है ना इंसान को सबसे अनमोल तोहफा है क्योंकि आपके बहन भाई जैसा कोई नहीं हो सकता। वो वाला मतलब तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो।
फूलों का तार। नहीं मैं नहीं गाना गाता। क्यों? मेरी आवाज नहीं अच्छी। तो क्या? अच्छा वैसे जिन जिन लोगों को लगता है ना कि मैं मौजम की टांग खींचती हूँ बहुत ज्यादा, तो ये मतलब बिल्कुल सही लगता है। मौजम करो ना, लेकिन ये है ना कि अगर हम लोग इस तरह से करते हैं ना तो हम लोग बहुत कम्फर्ट जोन में एक करते हैं और हम लोग इंजॉय करते हैं। समटाइम किस चीज का पसीना आ रहा है तुम्हें बताओ, बार बार क्या तुम इमेज देना चाह रहे हो? मेरी इमेज बना रही है तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही हूँ मुझे। नहीं वैसे कभी कभी हमारी कभी लड़ाई भी होती है, लेकिन अब हम बड़ा मिच्योरली इस चीज को हैंडल करते हैं। बहुत मिच्योरली लड़ते हैं। वैसे ये हम लोग बताएंगे आपको कभी किसी दिन की हम लोग किस किस तरह से लड़ते हैं। बट एनी वे मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो देखने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे पैर छूने का कल्चर जो है वो यहाँ पर भी है, यानी कि अगर हम लोग साउथ वाली साइड पर देखें वहां पर जो लोग हैं वो अभी भी ऐसे पैर छूते हैं अपने बड़ों के और ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो मुझे लगता है ये मुझे बहुत पसंद है कल्चर। मुझे लगता है कि हम अपने बड़ों के साथ वैसे ऐसे करना चाहिए। एक आपको पैर छू कर उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, आप एक ग्रेटिट्यूड शो करते हो। और उसके साथ साथ ये लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग फ्रेंडशिप डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं, फादर्स डे ब्रदर सिस्टर टीचर वर्ल्ड डे पता नहीं कौन कौन से डे, हम रक्षाबंधन का डे भी मना सकते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं होगा किसी को भी। तो ये चीजें मुझे लगता है बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। एनीवे हम लोगों ने आई थिंक जब से हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया हम लोग भी रक्षाबंधन हर मरतबा सेलिब्रेट करते हैं। आई डोंट नो इस मरतबा हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करें। कुछ इस बार करोना है सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ सजेशन वैसे हम लोगों को रिसीव भी हो रही है कि हम लोग किस किस तरीके से ब्लॉग बनाए। तो होपफुली उसमें से एक को हम चूज करेंगे या हम लोग जो खुद सोच रहे हैं उस तरीके से हम बनाएंगे और फिर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप अपनी बहन को इस मरतबा क्या गिफ्ट देंगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या तंग करते हैं ये भी बताइएगा, और क्या बहनें तंग करती हैं ये भी बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत। और जाने से पहले अगर भाई किसी को बुरा लगा हो कि मैंने मौजम को तंग किया तो भाई मैं मौजम से सॉरी बोलती हूँ। मौजम से सॉरी बोलती हूँ यार, इसको। और ये भी जब मिस्टेक हो ये भी सॉरी बोलता तो इस तरह मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इस तरह हमें ज्यादा वीडियो से लाइक चैनल सब्सक्राइब वीडियो से गुड बाय।